8 रन बनाने के लिए धोनी और रोहित शर्मा दोनों मैदान में वापस आएंगे। औपचारिक तौर पर भारत की जीत अभी नहीं हुई है। वैसे भी श्रीलंकन फैंस का गुस्सा आपने पहले वनडे मैच में भी देखा था जो दाम्बुला में खेला गया। टीमें जब जा रही थी मैदान से होटल तो श्रीलंका की टीम बस को काफी देर के लिए रोक कर रखा गया। काफी प्रोटेस्ट हुआ। अगले दिन श्रीलंका के कप्तान ने कहा हां अगर हमारा खेल ऐसे ही रहा तो फिर जो हमारे फैंस हैं वो निराश रहेंगे। लेकिन आज निराशा जो है गुस्से में तब्दील हो गई। भारत सिर्फ 8 रन दूर था और उसी वक्त क्राउड ने बोतलें फेंकनी शुरू की मैदान में। ये देखें ये उस वक्त का सीन है जब खिलाड़ी हाथ मिलाकर बाहर जा रहे थे। ये देखिए और उस वक्त ये हुआ कि शायद भारत को मैच अवॉर्ड कर दिया गया लेकिन खेल सिर्फ सस्पेंड किया गया था। 1996 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था जब सेमीफाइनल इंडियन में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। वहां पर भी कोशिश की गई। एक ऐसा ही नजारा 1999 एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले में हुआ था जब तेंदुलकर को रनआउट दिया गया था। एक वर्ल्ड कप में हुआ था ना सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड हम खेल रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि बॉबी लेज ने क्या किया कि सारे फील्डर ऊपर ले आए 5-6 रन चाहिए थे उनको भागने के लिए संदीप पाटिल ने चौका मार दिया भाग ले इनको भी ऐसे ही करना चाहिए था सारे फील्डिंग क्लोजन ले आते और उसके बाद दो बॉल मजे की बात है संदीप पाटिल ने चौका भी उसी तरफ मारा जिस तरफ ड्रेसिंग भागे भी सब उसी तरफ खैर